हेलो दोस्तों, आज की अपनी थर्ड एक्सरसाइज टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की, और इसके अंदर अपन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेस इस्तेमाल होने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में मैं बताया। अगर आप लोग वो नहीं देखे पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होंगी। चलो अपन शुरू करते हैं। अब यहाँ इवैल्यूएट बोल के बोला क्वेश्चन, देन अपन क्या करें, क्वेश्चन में दिया टैन 36 डिग्रीज और कॉट 54 डिग्रीज। एक चीज़ नोटिस करो, क्वेश्चन में 36 प्लस 54 करो 90 डिग्रीज होता। तो अपन क्या करेंगे, इसको 90 माइनस चेंज करेंगे। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा लिखते हैं, टैन 90 माइनस 36 बाई कॉट 44 डिग्रीज। तो देन अपन जब कॉट 90 माइनस फॉर्मूले के हिसाब से टैन 90 माइनस टीटा इज इक्वल्स टू कॉट टीटा होता, तो देन क्या हो रहा, कॉट 54 डिग्रीज हो रहा बाई कॉट 54 डिग्रीज कैंसिल होके 1 आ रहा। तो अपन ऐसे ही सॉल्व करना। अब जैसा कि यहाँ पे क्या करा, दो टर्म्स दिया। अब जैसा कि साइन को भी आप 90 माइनस चेंज कर सकते हैं, कॉस को भी, आपकी मर्जी। अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस 12 माइनस साइन 78। तो इन्हें चेंज, कॉस फॉर्मूला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री में से, कॉस 90 माइनस टीटा इज इक्वल्स टू साइन टीटा। तो देन इधर वैल्यू क्या आती है आपको, साइन 78 माइनस साइन 78 कैंसिल हो के आंसर आपको 0 आता। देन अपन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम दोनों में से को से भी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज अपन इसको इंटरचेंज करेंगे, किसको, साइन को। तो देन साइन 90 माइनस टीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है ये कॉस टीटा, ओके अपन इसको इंटरचेंज कर रहे हैं ना, साइन 90 माइनस 15 डिग्रीज इज इक्वल सॉरी सेकेंड 75 डिग्रीज। तो इन्हें चेंज होके किस में जाता, कॉस 75 डिग्रीज। अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पढ़े, अपन सेकेंड को 1 बाई कॉस लिख सकते, तो इन्हें इन्हें कैंसल, आंसर 1 आ रहा। तो देन अपन आगे बढ़ेंगे, शो डट क्या बोला इन्हें, शो डट टैन 48 टैन 16 टैन, यहाँ लिख लेता हूँ मैं बिट 1, क्या दिया टैन 48 इंटू टैन 16 इंटू टैन 42 इंटू टैन 74 इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब इन्हें क्या करो, शो डट करो बरा, मतलब इसको सॉल्व करके 1 लाओ। तो सपोज अपन ये दो को चेंज करेंगे, जैसा कि टैन 90 माइनस 48 इंटू टैन 90 माइनस 16 इंटू टैन 42 टैन 74। देन अब अपन ये हो गया, अब इसको इंटरचेंज कर रहे हैं अपन, LHS ले लिया हमें, ये LHS है, तो अपन इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इन्हें कॉट 42 डिग्रीज होता, देन इन्हें कॉट 74 डिग्रीज इंटू टैन 42 डिग्रीज टैन 74। तो अपने को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से कॉट का इन्वर्स अपन 1 बाई टैन लिख सकते, इंटू टैन 42 टैन 74 कैंसल, आंसर 1 आ रहा, RHS प्रूफ्ड। देन फिर अपन सेम सेकेंड बिट कर रहे, सेकेंड बिट में क्या करा, कॉस 36 डिग्रीज इंटू कॉस 54 डिग्रीज माइनस साइन 36 डिग्रीज साइन 54 डिग्रीज, ये LHS है, RHS में शो डेट में 0 लाना है। तो अपन क्या करेंगे, ये दो को चेंज करो या ये दो को चेंज करो, अपन ये दो को चेंज करेंगे। अब जैसा कि कॉस
90 माइनस 36 डिग्रीज कॉस 54 माइनस सॉरी 90 माइनस 54 डिग्रीज माइनस साइन 36 डिग्रीज साइन 54 डिग्रीज। तो देन इन्हें चेंज होकर क्या होता, साइन 54 डिग्रीज होता। देन इन्हें चेंज होकर क्या होता, साइन 36 डिग्रीज होता, माइनस साइन 36 साइन 54, माइनस में है बोल के कैंसल, देन आंसर आता जीरो। हिंस प्रूफ्ड। जैसा कि थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में टैन, इफ टैन 2a इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री सेल्सियस देन वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन क्या बोल रहा है इन्हें इसकी। तो अब थर्ड क्वेश्चन, इफ टैन स्क्वायर टैन 2a प्लस कॉट ए माइनस 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व गिवन गिवन क्या दिया अपने को, डट टैन 2a इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्रीज गिवेन करा। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्यूट एंगल के हिसाब से इसको 90 में चेंज करेंगे। तो मैं इसको सर सिंस बोल के यहाँ पे एक फॉर्मूले में लिख लेंगे, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू टैन 2a। तो अपन इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको कैसा लिख रहे हैं, सेम पहले के पोजीशन में कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18, कॉट कॉट कैंसिल कर दिए, देन उसके अंदर में अपने को बच रहा क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू ए माइनस 18। देन इधर सिंस 90 माइनस 2a एंड ए माइनस 18 दोनों बोथ आर एक्विट एंगल, ओके, देन अपन इसको दो ए के टर्म्स को एक जगह भेज दो, इसको इधर भेज दो, ए प्लस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90। तो देन अब ये ए इधर आया तो माइनस हो गया, ये भी माइनस, दोनों को मिला तो माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 108, माइनस माइनस कैंसल, ए इज इक्वल्स टू 108 बाई 3, 3 वन जा 3 36 ए इज इक्वल्स टू। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ टैन ए इज इक्वल्स टू कॉट बी वेयर ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो सॉल्व गिवन दैट टैन ए इज इक्वल्स टू कॉट बी देन टैन ए कैन बी इंटरचेंज सिंस टैन 90 माइनस थीटा फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री, सो कॉट बी कैन बी रिटन एज टैन ए इज इक्वल्स टू टैन 90 माइनस बी, टैन टैन कैंसल, ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस बी। सो दे सिंस ए एंड 90 माइनस बी बोथ आर एक्यूट एंगल, ओके, देन इफ बी को इधर भेज दो, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज प्रूफ्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, इफ ए बी सी आर
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन शो डैट ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट सी बाई टू. ओके सॉल्व द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन ए बी सी इज 180 डिग्रीज. मीन्स सम बोले तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. देन क्या करो डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग विथ टू ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या आता ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 180 बाई टू. टू वन जा 290 जा. तो देन ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90. देन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी बाई टू. तो देन अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं LHS ले लिए. टैन ए प्लस बी बाई टू. ए प्लस बी बाई टू कैन बी रिटन एज इसको कैसा लिख सकते हैं टैन 90 माइनस सी बाई टू. तो जब इन इंटरचेंज होकर टैन 90 माइनस सी बाई टू क्या आता कॉट सी बाई टू. हिंस प्रूफ्ड. देन लास्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस साइन 75 डिग्रीज प्लस कॉस 65 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ टी आर बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल बिटवीन जीरो टीटा टू जीरो डिग्रीज टू 45. तो सपोज अपन क्या करें ये लिख लेंगे साइन को अलग लिखा सॉल्व 75. तो जब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में करें तो साइन 90 माइनस 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कॉस सॉरी 75 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कॉस 15. देन सेम वैसेज कॉस को अलग कर लिए कॉस 65 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 65 डिग्रीज इज इक्वल्स टू साइन 25 डिग्रीज. ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से आ रहा. देन देयरफॉर साइन 75 डिग्रीज प्लस कॉस 65 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कॉस 15 डिग्रीज प्लस साइन 25 डिग्रीज. दोस्तों ये हो गया अपना थर्ड एक्सरसाइज. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आगे मिलते हैं.